बस चालक की लापरवाही बनी मासूम की मौत का कारण। ताजा मामला खरगोन जिले के बिस्तान थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनपुरा का है, जहां एक मासूम की निजी यात्री बस के पिछले पहिए में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि काबरी निवासी भगवान मालवीय और पत्नी शकुंतला बाई अपने दामाद के यहां गए थे, जहां से वापस लौटने में 4 वर्षीय मासूम हर्षित को साथ लेकर बस से सफर कर रहे थे। इस दौरान शकुंतला बाई की गोद से हर्षित अचानक गिर गया और सीट के नीचे बने छेद से जमीन पर जा गिरा और टायर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और चालक को गिरफ्तार करके मामला जांच में लिया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हाँ, बस चालक दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने जो लापरवाही पूर्वक जो उसमें प्लाई को काट कर जो गड्ढा किया है, इसमें से बच्चा जो गिर के गिरा, इनकी लापरवाही है और ये जानबूझ के इन्होंने ये कृत्य किया, इसलिए इसमें आपराधिक मानव वध के तहत धारा 304 में इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अभी और कोई कार्रवाई चल रही है क्या? इसमें बस मालिक के और इनके के विरुद्ध और इनका जो परमिट निरस्तकरण के संबंध में भी हम आरटीओ को पत्र लिखेंगे जी। ओ, ये अभी और आगे भविष्य में इस प्रकार की किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए एहतियात के तौर पर क्या किया जा रहा है? आज हमने कई बसों को रोका और अंदर से भी जो सीट के नीचे जो कल जिस प्रकार की जो खामी पाई गई है, तो और भी बसों में हम चेक कर रहे हैं, अगर इस टाइप का कोई मॉडिफाई करके और कोई दुर्घटना नहीं हो, इस संबंध में चालानी कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है मैडम आपका? ज्ञानु जायसवाल, थाना प्रभारी बिस्तान। जी, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।